किसी और के बच्चे के प्रोजेक्ट के लिए सामान लेके जा रहा हूँ। क्या दिन आ गए मेरा। रणवीर, 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 रणवीर क्या हुआ है? रणवीर रुको, रणवीर क्यों भाग रहे? रणवीर, 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 क्या, क्या हो गया क्या तुम्हें? किससे भाग रहे हो? बताओ किससे भाग रहे हो? तुम कहाँ से आ रहे हो? घर पर बता कर नहीं आए? सीरत का कॉल आया था मुझे, परेशान हो रही है वो तुम्हारे लिए। सीरत कुछ तो बताओ क्या हो गया, क्या हो गया तुम्हें? कार्तिक मैं मर रहा हूं। कार्तिक वहां सीरत परेशान हो रही है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। ये कोई मजाक की बात है कि रणवीर मैं, तुम मुझे सीधा सीधा बताओ हुआ क्या है, क्या प्रॉब्लम हुई है? मैं मरने वाला हूं। मैं नॉट जोकिंग। शट अप, शट अप रणवीर, पागल हो गए तुम? क्यों कह रहे हो तुम? किसने कहा तुमसे? क्या हुआ क्या है तुम? लेड पॉइजनिंग। जो गोली थी छाती में उसका जहर बहुत अंदर तक जा चुका। मैं नहीं बचूंगा, मैं जानता हूं मैं नहीं बचूंगा। खबरदार, खबरदार जो ऐसी बातें की तुमने। कुछ नहीं होगा यार, कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त को। हम दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं ना, उनका ओपिनियन लेंगे, सेकंड थर्ड फोर्थ जितने ओपिनियन लेने होंगे ले लेंगे। यहाँ नहीं हुआ तुम मुंबई दिल्ली लंदन जहाँ जा सकते चले जाएंगे हम लोग। बट तुम ठीक हो जाओगे यार, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं हूं ना यहाँ तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होने दूंगा तुम। कोई फायदा नहीं है कार्तिक। ऐसे क्यों कह रहे हो यार? कोशिश करने से क्या कुछ नहीं हो सकता? हम कोशिश करते हैं ना। कोशिश करने का एक वक्त होता है और मुझे नहीं लगता कि मेरे पास वो वक्त है। मैं उस वक्त के थोड़ा से पहले ही चला जाऊंगा कार्तिक। मैं नहीं बचने वाला कार्तिक, मैं नहीं बचने वाला। से हार नहीं मान सकते, मैं तुम्हें हार मानने नहीं दूंगा। नायरा के वक्त सोचने समझने का वक्त नहीं था मेरे पास, पर अपने दोस्त को नहीं कहूंगा मैं। सुना तुमने? कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम्हें स्ट्रॉन्ग होना होगा रणवीर, अपने लिए, अपनी सीरत के लिए। मैं सोचा अगर तुम्हें कुछ हो गया तो सीरत का क्या होगा, क्या करेगी वो बेचारी? तुम्हें उसके लिए कोशिश करनी होगी, जिंदगी बचाने के लिए जान लगानी होगी। तुम्हें ठीक होना होगा सीरत के लिए, ठीक। रणवीर सीरत को पता है ये बात, जानती है वो। कार्तिक प्लीज ना, कार्तिक सीरत को नहीं पता चलना चाहिए सब के बारे में, नहीं बिल्कुल भी नहीं प्लीज। कार्तिक बड़ी मुश्किल से उसकी स्माइल वापस आई है और मैं नहीं चाहता कि वो फिर से उदास हो जाए। और अपने मरने से पहले मैं फिर से उसको उदास नहीं देख चाहता कार्तिक। तुम्हें सीरत को बताना होगा, उसे पता चल गया तो गालियां देगी वो।
पंच करेगी, रिएक्ट करेगी, मुक्का मारेगी, गुस्सा होगी ना, एटलीस्ट उदास तो नहीं होगी ना। तो बस मैं उसको नहीं बताना चाहता। सॉरी, आपको भी परेशान किया। एक तरह से अच्छा ये है कि कोई अपना जब मिलता है ना तो स्ट्रेंथ मिलती है। आप मिले और मैंने आपको सब कुछ, इसी बहाने खुद को संभाल भी पाऊंगा मैं और सीरत को भी। कमाल की बात है, जब भी कोई मुसीबत होती है तो आप आ ही जाते हो कहीं से। थैंक यू कार्तिक। अब मैं एक दोस्ती का एक और फर्ज निभाऊंगा। वादा करो कि सीरत को ये बात नहीं पता चलनी चाहिए। इनफैक्ट हम दोनों के अलावा ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। कार्तिक, अगर सीरत को उदास देखूंगा ना तो कल की जगह आज ही मर जाऊंगा। कार्तिक प्लीज, तुम प्रॉमिस करो मुझसे, तुम प्रॉमिस करो कभी उम्मीद नहीं छोड़ोगे, तुम जीने की पूरी कोशिश करोगे अपने लिए, अपनी सीरत के लिए। तुम प्रॉमिस करो मुझसे। प्रॉमिस। पिछली बार से भी बढ़िया बनी है इस बार। थारे को पता है, मारे को लगता था तू बॉक्सर है, तो घर का काम, खाना बनाना, ये सब ना आता होगा थारे को, पर तू तो हर काम में माहिर है। घर का, पति का, सबका बढ़िया ख्याल रखे है। थारी जैसी बीनड़ी पाकर तो मैं धन्य हो गई। बस बस अम्मा, इतनी भी तारीफ ना करो मारी, आपकी बहू ने ना नजर लग जावेगी। नजर लगे थारे दुश्मनों ने, मारी बीनड़ी तो लाखों में एक है। काश तू ना मारे को पहले मिली होती तो निधि ने भी मैं थारे जैसी बना देती। मारी जिंदगी तो इस घूंघट के पीछे निकल गई। तू जैसे बिंदिया ने ट्रेन कर रही ना बॉक्सिंग में, वैसे ही तू निधि ने भी ट्रेन कर दे घर के काम में, रिश्तों को निभाने में और अपनी पहचान बनाने में। मारे से जो हो सकेगा ना मैं करूंगी अम्मा। चल अब जा, जल्दी से जाकर ना रणधीर ने बुला ले, वरना ये अभी ठंडी हो जाएगी। अरे अम्मा वो है कठे, मिले तब ना। थारे को बता के ना गया जहाँ भी गया? ना, आने दो, आप देखना ये सजा मिलती है उस, ऐसा कूटूंगी ना कि मारे को छोड़ के गया तो गया कैसे, और वो भी मारे को बिना बताए। अब शक्ल हुई कुछ सीरत के सामने जाने वाली? मेरी शक्ल से उसको कुछ समझ आए ना है, आपकी शक्ल से जरूर पता चल जाएगा। कम ऑन कार्तिक, संभालो अपने आप को, अभी मरा नहीं हूं मैं। ये मरने की बात मत करो यार। चाहता तो मैं भी यही हूं, तो ये चाहता हूँ कि ये सब एक सपना हो, पर क्या करूं। एनीवे, हम नहीं करूंगा ये सब बातें, मैं किसी को बताएंगे नहीं हम, पर सीरत को तो बिल्कुल भी ना बताना। मैं खुद बताऊंगा अगर बता पाया तो, अगर ना बता पाया तो ऐसे ही चले जाऊंगा मैं। नाराजी होगी ना, हो जाए, उदास नहीं देख सकता मैं उसको, मेरे मरने के बाद जो मर्जी करे। मैं
मैं घर जाता हूँ, सीरत ढूंढ रही होगी मारे को। रणवीर तू डरा ही दिया था मारे को, मारे को लगा जैसे कोई भूत है। अब तक तो ना है, पर कल बन जाऊं कुछ कह नहीं सकता। ना, अगर अगर तू भूत बन गया ना तो मारे से दूर ही रहना प्लीज। हाँ, डर लग गया मारे को भूतों से। सीरत मेरी कॉम शेखावत को डर लगता है भूतों से। हाँ, क्योंकि उन्हें पंच ना मार सकती ना। प्यार तो कर सकती। ना, भूत से कौन प्यार करता है? भूत से ना प्यार करूंगी मैं। अरे हाँ, भूत नहीं करती है ना। ओ, देख, तारे को जब भूत बनना होगा ना तो तू मारे को बता देना, मैं भी भूती बन जाऊं। ओके? भूत होना होगा मारे से सीरत, अपना साथ यहीं तक था। समझ रही हूँ मैं रणवीर, ये मक्खन क्यों लगाया जा रहा है? ताकि थारे को डांट ना पड़े। कटे चला गया था तू? जरूरी काम था मारे को। टीम का कुछ था? ना। तो फिर? बता दूंगा सही टाइम पर, और अगर नहीं भी बताया तो थारे को पता चल ही जाएगा। अच्छा ठीक है, तू ये सब छोड़, आज भी बनाइए मन्ने थारे लिए, वो भी एक नए तरीके से। अच्छा जल्दी आ। ये रिश्ता क्या कहलाता है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।